जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी मेरा नाम आकिब जावेद है और मैं अमेजोन एफबीए लॉन्चिंग एंड रैंकिंग एक्सपर्ट हूँ, और मैं पिछले 1.5-2 साल से ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इस मैं एक नई सीरीज बनाने जा रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर आप टोटली ये सीखेंगे कि पीपीसी स्ट्रेटजीज क्या हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और किस किस तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं वो हमारी अकॉस को कम करती है, हमारी रैंकिंग और हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा देती है। सही है, तो इस सीरीज के अंदर इंशाल्लाह हम मैं आपको एडवांस पीपीसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, जो आपके आपके क्लाइंट्स को पीपीसी को डील करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। तो आज के दिन हम लोग जस्ट डिस्कशन करेंगे कि अमेज़न एडवर्टाइजिंग है क्या, सही है, और अमेज़न एडवर्टाइजिंग कितने तरह की होती है, सही है, और हम इनको किस तरह यूज़ करके अपनी जो सेल्स है उसको बूस्ट अप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग में जाते हैं। सही है, एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन में कैंपेन मैनेजर होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। ये कुछ कैंपेन्स हैं जो भी चला रहा हूँ, बहुत अभी रिसेंटली ही अकाउंट मैंने अभी ये पकड़ा है, तो इसमें इंशाल्लाह इसके अकॉर्ड हम लोग बहुत जल्द नीचे कर लेंगे। मैं आपको पहले कैंपेन्स बताऊंगा कि कितने तरह की कैंपेन्स होती हैं और किस किस तरह की होती हैं और ये कहाँ शो की जाती है और उनका मकसद क्या होता है। जी, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है क्या, ये कहाँ शो होती है। अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो ये क्या कह रहा है कि प्रमोट प्रोडक्ट्स टू शॉपर्स एक्टिवली सर्चिंग विद रिलेटेड कीवर्ड्स और विद सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन। वो कहता है कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हुए कीवर्ड्स टारगेटिंग करें या फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग करें, इन दो तरह की टारगेटिंग को करते हुए आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को यूज करें और मैक्सिमम सेल उठाएं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है वो कहाँ शो होती है। सही है, हम लोग मार्केट में आ गए। अच्छा, अब फर्ज करें हम लोग सेल कर रहे हैं बेबी बाथ टावल। सही है, तो मैंने लिख दिया बेबी बाथ टावल। सही है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको चार एड नजर आ रहे होंगे, नजर आ रहे हैं ना, ये स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड यहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड होता है, ये सम टाइम ऊपर नीचे शो होता रहता है, लेकिन चार जो पहले आपको स्पॉन्सर्ड शो हो रहे होते हैं ना, ये होते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या होते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, जिसमें हम लोग कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को हम लोग एडवर्टाइज करते हैं। अच्छा, मोस्टली लोग कह रहे होते हैं कि वाई एडवर्टाइजिंग, कि कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि हम एडवर्टाइजिंग क्यों चलाएं, हमने लॉन्च कर दिया बस ठीक है। उन्हें आप बताएं कि एडवर्टाइजिंग की अहमियत क्या है। देखिए, आपने एक नई दुकान बना ली है, अब उस दुकान के अंदर आपने सामान तो रख दिया, अब किसी को क्या पता कि इस ब्रांड ने, जिस तरह एक बर्ड्स भी ब्रांड है, इसने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है और उसे आप खरीदें, किसी को तो नहीं पता होगा ना। तो उस चीज को शो ऑफ करवाने के लिए उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, तो दैट्स वाई मार्केटिंग से क्या होगा, मार्केटिंग से नो डाउट हमारा पैसा लगेगा, लेकिन मार्केटिंग हमें डबल लेके आएगी अगर हम अच्छी स्ट्रेटजी लगाएं। सही है, तो हम डिस्कस कर रहे थे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स यहाँ भी शो होती है, जिस तरह ये पहले चार जो एड्स आपको नजर आ रहे होंगे स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे भी शो होते हैं, समटाइम नहीं शो होते। अगर हम नीचे की बात करें, यहाँ पे मिड में भी हमें स्पॉन्सर ना नजर आ रहे होंगे, जिस तरह ये वीडियो एड एक है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग नीचे आए तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी एड नजर आ रहे हैं, ये भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के हैं, कीवर्ड को टारगेट किया हुआ उन्होंने, या ऑटो कैंपेन चलाई हुई होगी। सही है, उसके बाद अगर हम लोग नीचे आए तो नीचे भी कुछ हमें ऐड नजर आ रहे हैं, दिस वन, ठीक है, नजर आ रहे हैं ना, ये देखें, ये इस तरह ऐड नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स। या फिर हम किसी की लिस्टिंग को ओपन कर लें, उसकी लिस्टिंग में नीचे जाके जो हमें एड्स नजर आते हैं ना, उनको भी हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ही कहते हैं। तो ये दो प्लेसमेंट्स होती हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की, मतलब दो जगह ये एड शो होता है, एक ये कि हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं उनमें जो हमारा एड शो हो रहा होता है वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें हम कीवर्ड टारगेटिंग को यूज करते हुए दिखाते हैं। सही है, एक हमारा ये होता है
ये किसी की लिस्टिंग के नीचे आए तो आपको ये स्पॉन्सर्ड में नजर आ रहे होंगे, सही है। ये भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब इन्होंने स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को ही यूज करके अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं एडवर्टाइज की हुई है, सही है। तो पहली जो कैंपेन टाइप है वो क्या है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, सही है। उसके बाद सेकंड जो कैंपेन टाइप है वो है स्पॉन्सर ब्रांड्स, सही है। स्पॉन्सर ब्रांड्स क्या है, स्पॉन्सर ब्रांड्स इट हेल्प शॉपर्स डिस्कवर ऑन योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन विद रिच इंगेजिंग क्रिएटिव्स, मतलब के स्पॉन्सर ब्रांड्स को हम अपनी प्रोडक्ट्स, अपने ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स होते हैं या अपने ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम स्पॉन्सर ब्रांड्स चलाते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर ब्रांड्स के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं, ये हमारी ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ा रहा होता है, ये हमारी सेल्स को भी बढ़ा रहा होता है। जाहिर सी बात है, जब हमारी सेल बढ़ रही होगी हमारा BSR इंप्रूव हो रहा होगा, जब हमारा BSR इंप्रूव हो रहा होगा हमारा रैंक अच्छा होगा, तो हमारी ऑर्गेनिक रैंक होगा, उससे हमारे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स की रेशियो बढ़ जाएगी, हम लोग और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको यूज़ करने का ये फायदा होता है। अब हम ये देखते हैं कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स कहाँ से होता है। जिस तरह मैंने कहा कि मैंने कोई भी कीवर्ड लिखा या कस्टमर ने कोई कीवर्ड लिख दिया, सही है, लाइक दिस वन, सही है। कस्टमर ने कोई भी कीवर्ड लिखा, जिस तरह बेबी बॉस टॉवल, उसने कीवर्ड लिखा, उसको ये चीज़ शो हो रही है टॉप पे, ये देखें ना चैनिंग एंड येट्स, ये कोई एक ब्रांड है, ठीक है। उस ब्रांड ने ये बैनर एड चला रखे हैं, ये स्पॉन्सर ब्रांड्स को यूज करके करते हुए वो अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, सही है। तो दूसरी कंपेन टाइप कौन सी हुई, स्पॉन्सर ब्रांड्स, सही है। तो ये पोजीशन होती है स्पॉन्सर ब्रांड्स की, ठीक है। ये भी प्रोडक्ट पेजेस में सम टाइम शो हो रहा होता है, या फिर इसकी दूसरा जो स्पॉन्सर ब्रांड्स है वो एज अ वीडियो के थ्रू भी हम शो करते हैं, वो भी इंशाल्लाह जब स्पॉन्सर ब्रांड्स को इन डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे तो उसके ऊपर भी देखा जाएगा। ये देखें, किसी ने अगर वीडियो एड चलाया हुआ तो ये स्पॉन्सर ब्रांड को यूज करते हुए चलाया गया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक डिफरेंस समझा दूं कि अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं तब तो आप स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स, ये आप दोनों चला सकते हैं। अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप सिंपल स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, इन दोनों को आप यूज नहीं कर सकते। जिस तरह अगर आप देखें मेरा ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो ये मुझे कह रहे हैं कि इनरोल योर ब्रांड, ठीक है ना। तो अगर मेरा ब्रांड रजिस्टर होगा तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास और भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं माशाल्लाह ब्रांड वाले, इंशाल्लाह जब हम स्पॉन्सर ब्रांड्स को क्रिएट करेंगे, डिस्प्ले एड्स को क्रिएट करेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह आपको उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, वो इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्पॉन्सर ब्रांड्स। थर्ड वन कंपेन टाइप होती है वो है स्पॉन्सर डिस्प्ले। स्पॉन्सर डिस्प्ले क्या करती है, इट ग्रो योर बिजनेस बाय रीचिंग रेलिवेंट ऑडियंस एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ अमेजोन। अच्छा, फर्ज करें आपने कोई बेबी बाथ टॉवल लिखा, ठीक है, आपने कोई लिस्टिंग को ओपन कर दिया, ठीक है। लिस्टिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ना कई तरह के एड शो होते हैं, जिस तरह ये देखें, ये एक एड नजर आ रहा है, कुछ एड ना यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं, कुछ एड यहाँ ऊपर नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से एड होते हैं, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स। या मैं किसी और की लिस्टिंग को ओपन कर लेता हूँ, मे बी वहाँ पे भी कोई हमें स्पॉन्सर डिस्प्ले एड की एग्जाम्पल मिल जाए। अच्छा, स्पॉन्सर मोस्टली जो लोग हैं वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ही यूज करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स को लाजमी यूज करते हैं। वो उनसे देखें ना, इन स्ट्रेटजी से हमें ज्यादा सेल मिलती है, तो ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा रैंक अच्छा होगा ना, ये चीज होती है। ये देखें किसने अब ये चला रखा है, सही है, यहाँ पे भी एड शो हो रहे होते हैं, यहाँ पे भी एड शो हो रहे होते हैं, यहाँ पे भी शो हो रहे होते हैं, तो ये क्या होते हैं, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड होते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह की मैच टाइप्स होती हैं और कंपेन टाइप होती हैं। पहला स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड्स, स्पॉन्सर डिस्प्ले। स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स के लिए आपका ब्रांड होना, ब्रांड रजिस्टर होना लाजमी है, और स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स आपकी विदाउट ब्रांड भी चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक काफ़ी है आज की पहली सीरीज की पहली एपिसोड, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई होगी तो आप हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा, और इंशाल्लाह हम आपको वहीं लाजमी रिस्पॉन्ड करेंगे, और इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहिएगा। हम और भी वन डे के बाद हम लोग PPC स्ट्रेटजी नई नई लाते रहेंगे, और इसमें एडवांस PPC स्ट्रेटजीज को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। ओके, जजाकल्ला, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।